दोस्तों सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है अपना एक और नया डिवाइस जो कि होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A72। A71 के काफी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद में अब सैमसंग ऑल सेट है अपने A72 के साथ में। और ये न्यूज आई है एक कोरियन न्यूज़पेपर है वहां से, जहां की आप सबको पता ही है कि सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, तो वहीं से एक लीक सामने आया है गैलेक्सी A72 को लेकर के। तो आज हम इसी डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू द टेक मोजो, जहां होती है सीधी बात नो बकवास। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही जो कि आने वाली है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। तो डिस्प्ले के सेगमेंट में तो सैमसंग हमेशा से ही धमाका करता आया है। बस यहाँ पर एक चीज पिछली बार की रिपीट हो रही है, जो कि है इसका प्लास्टिक बॉडी वाला डिजाइन, यानी कि आपको रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट ही देखने को मिलेगा। और जो इसकी फ्रंट साइड है वो भी आने वाली है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी अजीब चीज हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी मेन हाईलाइट के बारे में, जो कि है इसका पेंटा कैमरा। इस बार सैमसंग आपको देने वाला है 5-5 कैमरा। रियर साइड में इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, जो कि आने वाला है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ में, यानी कि OIS का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही सेंसर होने वाला है सोनी का IMX682। और साथ ही यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और इसके अलावा यहाँ पर जो एडअप किया गया है वो है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5-5 मेगापिक्सल के 2 सेंसर और देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात की जाए इसके फ्रंट की, तो वहां पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। वही अपना पंच होल वाला डिजाइन होने वाला है, जो कि आने वाला है सोनी IMX620 के साथ में। सेंसर वगैरह कोई भी कमी नहीं है, फोटोज वगैरह बहुत ही तगड़ी यहां पर आने वाली है। अब अगर इसके प्रोसेसर की तरफ देखा जाए तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 765G, जो कि एक तगड़ा प्रोसेसर है। और साथ ही ये 5G डिवाइस होने वाला है और इसी में लगाया गया है एड्रेनो 620। तो गेमिंग वगैरह तो बिंदास हो जाएगी, ग्राफिक्स वगैरह को इजीली हैंडल कर लेगा। अगर इसके अंतुतु स्कोर की बात की जाए तो वो भी कोई 3.5 लाख के आसपास आता है। तो प्रोसेसर काफी दमदार होने वाला है। बैटरी कैपेसिटी A71 में हमें 4500 mAh देखने को मिली थी, तो A सीरीज बैटरी सेंट्रिक नहीं होती है, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये 5000 mAh के साथ में आ सकता है। तो बैटरी वगैरह भी काफी अच्छी चलने वाली है, एक दिन तो इजीली सर्वाइव करेगा। साथ ही आपको सी टाइप का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा और ये फोन HDR10 को भी सपोर्ट करने वाला है। इसके वेरिएंट्स पे नजर डाली जाए तो वहां पर आपको 6GB 128GB और 8GB 128GB के 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। अभी के जो लीक है उनके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दे रहा हूं, जो कि 70-80% बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये कोरियन न्यूज़पेपर के थ्रू ही लीक सामने आए हैं। और इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो A71 जैसे कि हमें 30,000 की रेंज में देखने को मिला था और ये उसका अपग्रेड है, तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको 35 की रेंज में ही देखने को मिलेगा। ये फोन अभी 2020 में लॉन्च नहीं होगा, ये आपको जनवरी 2021 में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक सैमसंग का डिवाइस खरीदना चाहते हो जो कि कुछ हटके आपको ऑफर करे, जैसा कि पेंटा कैमरा या फिर एक 5G डिवाइस और अच्छा प्रोसेसर, तो आप इसके लिए कुछ टाइम वेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करके एक अच्छी चीज परचेस करनी चाहिए। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आपको ये डिवाइस। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मुझे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरी हो इस डिवाइस के बारे में डायरेक्ट से मैसेज कर देना, रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। और मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।